कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पिपरसम्मा तिराहे पर सोमवार मंगलवार की रात बारातियों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार लगभग दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए और एक की मौत हो गई। घटना की वजह चालक को नींद का झोंका आना बताया जा रहा है, जिससे बस जब ब्रेकर पर आई तो वह अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ईसागढ़ के रहने वाले बलबीर जाटव पुत्र जगन्नाथ जाटव की बारात सोमवार को शिवपुरी के सिरसौद आई थी। यहाँ शादी के बाद विदाई करवाकर सुबह 3:30 बजे वापस लौट रहे बाराती जब बस में सवार हो गए और ईसागढ़ जाने लगे। करीब सुबह 4 बजे जब बस क्रमांक MP33P1008 पिपरसम्मा तिराहे पर पहुंची तो एकाएक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलट जाने से सवार बारातियों में कोहराम मच गया और समझ ही नहीं आया कि यह हादसा कैसे घटित हो गया। बस पलटने के बाद सवारी जैसे तैसे बाहर निकले और फंसे हुए लोगों को भी बाहर निकाला गया। घटना में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और कमल किशोर निवासी सेमरखेड़ी की मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जे ईसागढ़ से सिरसौद बस में बारात आई थी तो उसमें 20-25 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई। क्या नाम है आपका? गोपीलाल जाटव। कहाँ रहते हो? ईसागढ़ लहरिया। ये पता नहीं सुबह 4:30 बजे का केस है जी। सब लोग सो रहे थे और ड्राइवर पता नहीं दारू के नशे में था कि नींद के वाम था। वो हमको तो जब पता लगा जब गाड़ी एकदम फेंक गई है। ये सिरसौद से निकल के सीपरी बाईपास पे हुआ है जी। हादसा कितने लोग सवार थे? 50-60 आदमी सवार थे उसमें। 30-35 लोग घायल हैं। मौत वगैरह किसी की हुई? एक लड़के की मौत हुई है, इसका नाम राम किशोर था। कमल किशोर कहाँ से कहाँ जा रही थी? ईसागढ़ से सिरसौद आई थी और सिरसौद से वापस हो रही थी ईसागढ़ के लिए।